हम स्वाति विराट के बघेली समाचार में अपना पंचन के स्वागत करी थे। रीवा जिला में भ्रष्टाचार भर हावी नहीं आए, यहां अधिकारियों के द्वारा चतुराई कई के छुपावे के खातिर मेर मेर के हथकंडा अपनावा जात है। अपना पंचन का बताए दे कि यह मामला सीएम हेल्पलाइन के आए, बताए दे कि औसत में आगे रह खातिर जिम्मेदार के द्वारा फर्जीवाड़ा कीन जात लाग है, जो उन्हें शिकायतन कर लय के जिलाधिकारी रोना रोवत हैं और निराकरण न होए पर कार्यवाही के दम भरत हैं। ओखर कलई अब खुले लागी, बताए दे कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान रीवा जिला के बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ी है, जेके बाद लोक प्रबंधन के एमडी अभिजीत अग्रवाल का यह मामला के सघन जांच करे का दीनगा है। बताए दे कि सीएम हेल्पलाइन के औसत मा सबसे आगे रहे के खातिर यह बड़ा खेल खेला जात रहा है। खबर मोहनिया टनल के लोकार्पण का लय की ही, बताए दे कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 दिसंबर का रीवा सीधी सड़क मार्ग पर स्थित मोहनिया टनल के उद्घाटन करी। अपना पंचन का बताए दे कि यह मौका मा 2443 करोड़ रुपया के सड़क निर्माण के कामन के भूमि पूजन और उद्घाटन हुई। बताए दे कि यह कार्यक्रम के तैयारी के बैठक रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा कीन गई है। आई सुनी थे यह कार्यक्रम के तैयारी का लय के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कहा थे। देखिए, रीवा जिले में एक बहुत ही बड़ी सौगात रीवा जिले के लिए रीवा सीधी मोहनिया टनल के रूप में मिल गई है, जिसमें कि माननीय हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है, आदरणीय नितिन गडकरी जी के आने की इसमें पूरी संभावना है और साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आने का कार्यक्रम है। 10 तारीख को ये लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चे से रीवा सीधी के बीच में 2.3 किलोमीटर का ये टनल बनाया गया है, जिसने कि 25-30 किलोमीटर की दूरी को कम किया है, समय को कम किया है। जहाँ पहले हमको सीधी जाने के लिए 2.5 घंटे 2 घंटे का समय लगता था, अब केवल हम लोग 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात दोनों जिलों के लिए है और इसी के लिए परिवहन मंत्री जी का आगमन हो रहा है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसी की तैयारी की समीक्षा कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीधी जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने भ्रमण किया है। दोनों जगहों पर कार्यक्रम होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय अतिथिगण और फिर इसके पश्चात जी। हाँ जी, टनल कंप्लीट है, टनल आम जनता के लिए अभी चालू हुई है, उसको सार्वजनिक तौर पे बेहतर ढंग से जनता के लिए जो लोकार्पण का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होगा और फिर इसके पश्चात अधिकृत रूप से टनल का शुभारंभ होगा। रीवा में एक शाम गजल के नाम के कार्यक्रम के आयोजन कीन जात लाग है। यह आयोजन अभ्युदय फाउंडेशन के 21 से कीन जात लाग है। बताए दे कि रीवा जिला में अब एक बेरव गजल के कार्यक्रम नहीं भाया। बतावा जात है संगठन के अध्यक्ष अनामिका शुक्ला निश्चित की हिन के रीवा मां गजल के नाम से एक ठे कार्यक्रम होए चाहिए, जौने मां जानी मानी हस्ती शामिल हुए। बताए दे कि यह कार्यक्रम 11 दिसंबर का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम मां होई। हम लोग एक ऑडिटोरियम में सामे गज़ल का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी के संदर्भ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी संस्था शुरू से ही सामाजिक और साहित्यों का काम करती आ रही है। इसी कड़ी में हमने एक गज़ल का प्रोग्राम रखा है। अपने रीवा में शुरू से ही सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और भजन संध्या बड़ी बड़ी होती आई हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते आए हैं, पर आज तक गज़ल प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, इसीलिए हमने एक गज़ल प्रोग्राम रखने का सोचा है। कहाँ पर आयोजित होगा प्रोग्राम? कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। इस गजल प्रोग्राम को 4 चांद लगाने कौन आ रहे हैं? इस गजल प्रोग्राम में मशहूर गजल गायक भानु पंडित और अनिता भट्ट जी आ रही हैं। अभिनेता भी आ रहे हैं कोई? जी, इसमें अभिनेता मशहूर एक्टर अली खान जी आ रहे हैं। जैसा कि देखने में आता है कि बड़े आयोजन होते हैं तो लोगों को पास नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने किस तरह आपका ये प्रोग्राम? हमने इस प्रोग्राम में फ्री एंट्री रखी है, पास की कोई वो नहीं है, सभी लोग आएँ, सब लोग इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और सभी हिस्सा बन सकते हैं इस प्रोग्राम। जी, हमने ऐसे कुछ लोगों को जैसे विद्या तिवारी जी हैं TI, उनको हमने मौका दिया है कि सर आप भी हमारे प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। और इसके तुरंत बाद जनवरी में हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें अपने रीवा के हम लोग उन कलाकारों को ढूँढेंगे जो अपने रीवा में आगे काम करते हैं। स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक शाम गज़ल के नाम, एक खुशनुमा शाम सूफी संगीत के नाम का कार्यक्रम उड़ान आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रीवा की सामाजिक संस्था अभ्युदय उपकार फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया है।
हम सब जानते हैं कि रीवा एक सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी रही है और हमेशा रीवा में बड़े से बड़े आयोजन होते रहे हैं, लेकिन इस बार का कार्यक्रम अलग इसलिए है क्योंकि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुए हैं, भजन संध्या का कार्यक्रम नवरात्रि में हुआ है रानी तालाब मंदिर में, बड़े बड़े आयोजन इस शहर में हुए हैं, लेकिन गज़ल के लिए विशेष रूप से आज तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है स्पेशली गज़ल के लिए। तो इसलिए अभिद्या अपकार फाउंडेशन की अध्यक्ष अनामिका शुक्ला जी ने एक पहल की है कि हम एक शाम गज़ल के नाम रखेंगे और कार्यक्रम का टाइटल उन्होंने उड़ान दिया है, जिसमें बॉम्बे से महाराज से प्रसिद्ध गज़ल गायक भानु पंडित और अनीता भट्ट जी आ रहे हैं जो अपनी गज़ल गायकी की प्रस्तुति देंगे। ये वो कलाकार हैं जो टीवी चैनल्स में आ चुके हैं, बड़े बड़े शोज में बड़े बड़े सिंगर्स सोनू निगम और शान जिनके गायकी के मुरीद हैं, ऐसे गज़ल गायक आपके बीच में आ रहे हैं। और रीवा में अली खान साहब पहली बार आ रहे हैं जो फिल्म अभिनेता है, तो इनके आने का उद्देश्य यही है कि हम सांस्कृतिक साहित्यिक और इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दें और अभिद्या अपकार फाउंडेशन के इस मुहिम शामी गज़ल को और पुख्ता करें, इसलिए तमाम गज़ल गायक और अभिनेता इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में रीवा के जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि रूप में राजेंद्र शुक्ला जी रहेंगे, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक, साथ ही अध्यक्षता इस कार्यक्रम की सांसद लोकसभा रीवा जनार्दन मिश्रा जी करेंगे। इसके अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारी आईजी सर, डीआईजी सर, कमिश्नर सर, कलेक्टर सर, एसपी सर, एडीएम सर, एसडीएम सर, सभी लोग और नगर निगम कमिश्नर सर सभी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे और रीवा के सभी साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, गज़ल गायक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का परिनिर्माण दिवस के अवसर में याद कीनगा और प्रतिमा में फूल चढ़ावागा। यह कार्यक्रम के आयोजन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहे वाले छात्रन के द्वारा कीनगा रहा। अपनो पंचे सुनी आरक्षण कलय के छात्र का कहा थे। क्या कार्यक्रम आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये महापरिनिर्वाण है 66वां, और ये महापुरुष कोई आम आदमी नहीं, ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने इन गुलामों की जंजीरों को तोड़कर इंसान बना दिया। करोड़ों दलितों, शोषितों, बहुजनों और सर्व समाज के हितैषी भारतीय संविधान को जिस तरह उन्होंने सजोया एक सर्व समाज के सम्मान में, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना गम भुलाकर जिस तरह उनको साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव न हुई, वो सब दरकिनार करते हुए समानता का भाव जो है तो लाते हुए भारतीय संविधान को उन्होंने बनाया। ऐसे महान डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी विश्व रत्न की आज महापरिनिर्वाण आज मनाया गया और ये पूरा जो है तो यहाँ युवा छात्र यहाँ पर एकत्रित है, खास तौर से पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के हमारे सभी छात्र युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज बाबा साहब की आज प्रतिमा पर यह कलेक्ट्रेट परिसर में जो है तो मूर्ति पर जो है तो मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल कर जगह जगह पूरे चौराहे शिल्पी प्लाजा से होते हुए जो है तो अस्पताल चौराहा और इधर मार्तन तीन से होते हुए आज कलेक्ट्रेट में जो है तो बाबा साहब की मूर्ति पर कैंडल मार्च का समापन यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर सभी हमारे बुद्धिजीवी टीम भी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर युवा टीम साथी जो है तो माननीय देवेंद्र त्यागी जी, माननीय इधर रावेन जी और कई हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर माननीय बुद्धिजीवियों में माननीय डॉक्टर के पी आज़ाद जी, माननीय चंद्रिका जी, माननीय सरजीत जी, माननीय मुन्ना जी और इस तरह से सभी हमारे यहाँ समाज के हितैषी बुद्धिजीवी टीम यहाँ पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर एकत्रित हुए। पुलिस के द्वारा हाका अभियान शुरू कीनगा है और यह अभियान और तेजी पकड़त लाग है। बताए दे कि यह कार्यवाही होटल, लाज और धार्मिक स्थानन के लगे कीन जात लागी। यह कार्यवाही में शहर के सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रन में कार्यवाही की नहीं। अपनो पंचे सुनी सीएसपी या मामला का लेके का कहा थे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज शहर में पुनः हाका अभियान चलाया गया, जिसमें हमने अपराधों की रोकथाम के लिए और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चेकिंग की है, वाहनों की चेकिंग की है और जहां आवारा शरारती तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है वहाँ भी हमने चेक किया है और उनको अलग किया है। साथ ही इसी प्रक्रिया में हमने जो शहर के होटल, लॉज,
ढाबा जैसी जगह हैं वहाँ भी जाके हमने चेक किया है कि कोई सस्पिशियस तो नहीं रुका हुआ है, और साथ ही होटल के जो लोग हैं वो उनकी आइडेंटिटी रखते हैं या नहीं इस संबंध में पूछताछ की है। आज हमने शिल्पी प्लाजा से स्टार्ट करके कोतवाली के काफ़ी क्षेत्रों में भ्रमण किया है, साथ ही बिछिया थाना के चरौला मंदिर साइड जहां पर सामान्यतः आवारा और शरारती तत्वों का जमावड़ा रहता है, उसके बाद हमने समान तेराहा से होते हुए विश्वविद्यालय क्षेत्र में भ्रमण किया है। चोरी मारपीट और गवाही बदले की धमकी दे वाले आरोपी का पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताए दें कि शैलेंद्र सिंह उर्फ लाला उम्र 25 वर्ष जिलहरी थाना नई गढ़ी के रह वाले आहिन और अभिषेक सिंह उर्फ लकी पिता अरविंद प्रताप सिंह थाना नई गढ़ी के रह वाले आहिन। बताए दें कि दोनों फरार रहे हैं, जिनकर सूचना कोनो पुलिस का दई थी, जेके बाद दोनों का गिरफ्तार कर लिया गया है और अब न्यायालय में पेश की गया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के फॉल सीलिंग के बाद अब प्लास्टर ऑफ गिरप शुरू हो गया है। यह बिल्डिंग करोड़न में बनी रही लेकिन एखर निर्माण कितना घिनहा है एखर पोलक खुले लागी। आज सुबेरे मुख्य दरवाजा के सामने के प्लास्टर टूटेगा, भलाइया रहा कि को रहा नहीं, अगर हो तब बड़ा हादसा हो सकत रहा है। आज खातिर इतने, बघेली मां बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।